काश मोदी सरकार हमारे देश में भी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ऑटोमेटिक मशीन किसानों को दे पाता, फिर हमारे देश की इकोनॉमी और किसान का एग्रीकल्चर फार्म और उसकी तरक्की दो गुना ज़्यादा हो जाती। आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं ऐसी मशीन जो सारे फसल को बो सकता है और कटिंग करके पैकिंग भी कर सकता है। तो दोस्तों इस मशीन में कम से कम टाइम में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मशीन जैपनीज और अमेरिकन ब्रांड की है। मशीन के बारे में और जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और लैंडर टैग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास में देखिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि गैजेट की जानकारी का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाए। नंबर 7 ऑटोमेटिक राइस कटर। दोस्तों ये मशीन जैपनीज टेक्नोलॉजी में बनाया गया है जो एक छोटा सा मशीन में वन ड्राइवर से कंट्रोल हो सकता है। इस ऑटोमेटिक मशीन में 3-in-1 फीचर्स आपको देखने को मिलेगा और इस मशीन में चावल को हाथ से काटने के साथ साथ इसकी घास को भी बहुत ही छोटा कर दिया जाता है, जिसको इस घास का उपयोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में किया जा सकता है, आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं। और ये छोटा सा राइस कटर 1 घंटे के अंदर सारे राइस को कट भी कर सकता है और उसके पैकेजिंग भी कर सकता है एक बैग के अंदर। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का कटर है, अगर ये इंडिया में आ जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारा काम। नंबर 6 हेलॉन T7070। गाइस इंट्रोड्यूसिंग द हेलॉन T7070 ब्लू पावर्ड। इस हेलॉन T70 मशीन को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है पोटैटो फार्मिंग के लिए, यानी ये पावरफुल मशीन को अमेरिकन कंट्री में पोटैटो बोने के लिए काम में लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पावरफुल मशीन किस तरीके के पोटैटो को बोने का काम कर रही है। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो के अंदर, अगर ये पोटैटो फार्मिंग मशीन हमारे इंडिया में होती तो इंडिया के एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती। तो दोस्तों अगर आपके शहर से हो तो दोस्तों किसानों की रेस्पेक्ट करते हो तो वो कितनी मेहनत करते हैं फसल बोते समय, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि हमारे किसान कितना ज़्यादा मेहनत करता है। आप लोगों को आज ये वीडियो देख के पता चल गया होगा कि बाहर की कंट्री में कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है और हमारी कंट्री में कितने पीछे है, अभी तक हाथों से फार्मिंग होती जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक तो बनता है। नंबर 5 ब्लॉगर ARB4BX। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया कि हेलॉन T7070 मशीन जो आलू को बो सकता है, अब आपको एक ऐसा मशीन दिखाऊंगा जिसका नाम है प्लॉगर ARB4BX मशीन। ये मशीन पोटैटो उग जाने के बाद पोटैटो मशीन से निकालने का काम करती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, ये मशीन पहले आलू को ज़मीन से निकालती है, फिर आलू को साथ लगी मिट्टी को साफ करने का काम ये करती है। आप लोग वीडियो में अच्छे से देख पा रहे हैं कैसे ये पूरे आलू को बाहर निकाल के अपने पास इकट्ठा करके उनकी सारी सफाई कर देती है और दोस्तों बिल्कुल साफ आलू एक ट्रक से दूसरे ट्रक में लोड किए जाते हैं। तो दोस्तों इंडिया में ऐसी मशीन होती तो फार्मिंग कितनी आसान हो जाती, और मुझे कमेंट करके बताइए कि कितनी आपको अच्छा लगा ये टेक्नोलॉजी और इंडिया में आ जाए तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है इससे। नंबर 4 वैनमार YH590। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चावल और गेहूं का पौधा बारिश और तूफान आने पर फसल गिर जाता है, तो आप उस चावल पौधे को आराम से उठा नहीं सकते। तो दोस्तों ये मशीन बहुत ही कमाल की है, चाप आपके गिरे हुए चावल या गेहूं के पौधे को आराम से उठा सकता है और उस गिरे हुए पौधे को उठाने के लिए एक जैपनीज मशीन ब्रांड ने एक ऐसा मशीन इन्वेंट किया है जो तूफान और बारिश में चावल का पौधे को बहुत ही आसानी से तेज़ी से आराम से उठा सकता है।
तो दोस्तों गिरे हुए पौधे को उठाकर इसमें से चावल भी ये निकाल देता है और जो कचरा होता है उसको ज़मीन पर बिखेर देता है। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का मशीन है ये। नंबर 3, राइस प्लांटिंग मशीन। दोस्तों राइस प्लांटिंग मशीन, इस मशीन को सबसे पहले चाइना में इन्वेंट किया गया था और चाइना के लोग इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते थे, राइस को उगाने और बोने के लिए काम में ली जाती थी। तो दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो में और इस दूसरे वीडियो में इंडिया में कैसे चावल बोया जाता है ये भी आपको मैं बताऊंगा। ये वीडियो भी आप देख लीजिए कितना मेहनत लगता है इंडिया में चावल बोने और निकालने के लिए। हमारे देश में कितना किसान खुद कितना अपने हाथों से चावल एक एक करते बोता है। अगर ये मशीन इंडिया में होता तो 1 घंटे के अंदर चावल पौधे और खेत में लगा पाते। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का मशीन है चावल के उगाने के लिए। यहाँ पे एक एक पौधा अलग हो के अपने आप ऑटोमेटिक मशीन में लग जाता है और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, बंडल राइस कटर। दोस्तों अगर कोई किसान की ज़मीन छोटी है तो बड़ी मशीन से चावल के पौधे को काटना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसीलिए इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ऐसा एक कमाल का ऑटोमेटिक राइस कटर मशीन, जिससे राइस कटिंग के साथ साथ राइस कटिंग के पौधे का बंडल भी बनाकर साइड में रख दिया जाता है। तो इस मशीन से राइस के साथ साथ बहुत से ज़्यादा प्रोडक्ट निकलते हैं। ये मशीन 1 से 2 घंटे में चावल को छोटे खेत को पूरा कट करके बंडल करके साइड में रख देती है। तो दोस्तों ये मशीन बहुत ही कमाल की है छोटे किसानों के लिए। अगर इंडिया में ये मशीन छोटे किसानों के पास आ जाए तो दोस्तों बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लेबर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 1, वैसे तो दोस्तों खेती करने में सबसे ज़मीन को पहले बनाना पड़ता है ये छोटा सा ट्रैक्टर, जिसका नाम है वॉकिंग ट्रैक्टर, जो वन हैंड ऑपरेटर है और इसकी सहायता से खेत को बोने लायक बनाने के लिए पॉसिबल हो पाता है। ये छोटा सा ट्रैक्टर एक आदमी से आराम से चल जाता है और सबसे पहले खेत को बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी के पास छोटा सा खेत है तो दोस्तों इस मशीन का उपयोग करके वो आसानी से 1-2 घंटे में अपने पूरे खेत की बनाने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों जो खरपतवार या छोटे बहुत पौधे होते हैं उनसे भी इससे छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।